बड़ी खबर साहिबगंज से आपको बता दें, जहां बाल कल्याण और जिला बाल संरक्षण के प्रयास से 7 वर्ष 2 माह बाद एक माता पिता को अपना खोया हुआ बच्चा मिला है, जिसे पाकर माता पिता भावुक हो उठे। वहीं 7 वर्षों तक पालन करने वाले माता पिता बच्चे की जुदाई से गमगीन हो गए। हालांकि बच्चे के अपने मूल माता पिता के पास जाने की खुशी हर किसी के चेहरे पर देखने को मिली। उक्त बच्चे संदीप और सनी को साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव ने उनके मूल माता पिता संजू देवी और कृष्णा दास को सौंपा, तो माता पिता आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। दरअसल 7 वर्ष 2 माह पहले अपने माता के साथ ट्रेन में जाने के वक्त सनी बिछड़ गया था। उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा, एक बच्चे को उसके माता पिता से मिलवाना सबसे पुण्य का कार्य है। इतने वर्षों के बाद अपने बच्चे को पाकर उसकी माँ संजू देवी और पिता कृष्णा दास की आंखें झलक आईं। इस कार्य में मिसिंग पोर्टल ऑफ इंडिया, बाल कल्याण समिति, बाल संरक्षक इकाई पटना सिटी के वार्ड पार्षद बलराम चौधरी, मिरिकल फाउंडेशन सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का संपूर्ण सहयोग मिला। आने वाले 1 वर्ष तक इस बालक को फॉलोअप किया जाता रहेगा और किसी भी समस्या के उत्पन्न होने की स्थिति में इसे संपूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बालक 7वीं कक्षा तक शिक्षित है, वहां जुमई में उसे 8वीं कक्षा में नामांकन कराया जाएगा। 7 साल पहले बालक अपनी माता के साथ पटना सिटी से मौसी के घर जा रहा था, जब वह ट्रेन में छूट गया और नारायण गुप्ता को साहिबगंज जिले के धमधमिया रेलवे स्टेशन पर मिला और उन्होंने 7 वर्ष 2 माह तक बरहरवा अपने घर पर रखा। बच्चा मूल रूप से जुमई जिले का रहने वाला है। उसके पिता दैनिक मजदूरी का काम करते हैं। उस समय बच्चे के पिता और माता सभी लोग पटना सिटी में रहते थे। साहिबगंज से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। मेरे मम्मी पापा मिल गए हैं, मैं उनके पास भी जाना चाहता हूँ। आज जो मुझे रखे थे, मैं उनके पास भी रहना चाहता हूँ। दोनों मम्मी पापा हैं, दोनों के साथ रहूँ। ट्रेन से आ रहे थे मौसी घर से, हुगलाडी से गम्हरिया जा रहे थे, तो मम्मी ट्रेन से उतर गई और मैं छूट गया ट्रेन में। चढ़ा जम्मू स्टेशन से, आ रहा था पटना, आ रहा था पटना से। इसका मम्मी गाड़ी में भीड़ हो गया, चढ़ गया। लड़का दूसरा ट्रेन से आया, अगले स्टेशन उतर करके खोजा, नहीं मिला। पटना तक ले खोजे हैं, इधर झाझा जम्मू खोजे हैं, आ रहा बक्सर तरफ गए खोजने के लिए, नहीं कहीं। जीआरपी एप में पता लगाया, नहीं लगा। 1916 में धमधमिया स्टेशन में एक बच्चे को हम रोते हुए अवस्था में पाए थे। उस बच्चे को हम बढ़रवा लेकर आए। बढ़रवा आने के बाद आरपीएफ ऑफिस एवं जीआरपी ऑफिस गए, बच्चे के बारे में बताए। ऑफिस से बोला गया कि आप 2 दिन रखिए, उसके बाद हम पता करते हैं। 2 दिन के बाद, 2 दिन क्या, कई दिन बीत गया, बच्चे को हम अपने पास रखते रहे। उसके बाद इस बच्चे के बारे में अपने गाँव घर में बताएँ, तो गाँव घर में बताया कि आप इस बच्चे को लेकर पुनः साहिबगंज CWC ऑफिस से संपर्क किए। हम किए। 7 वर्ष 2 माह पूर्व एक बालक जो पटना सिटी में रहता था, वह यहाँ के बाल कल्याण समिति में मिला था और आज 7 वर्ष 2 माह के बाद वह अपने जैविक परिवार को भेजा जा रहा है, उसको सुपुर्द किया गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ की बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला प्रशासन के नेतृत्व में आज उपायुक्त महोदय के हाथों द्वारा उस बच्चे को शिक्षा किट और दैनिक उपयोग का सामान देकर उसे जैविक माता पिता को सौंपा गया। इस अवसर पर उसको 7 वर्ष 2 माह तक पालन पोषण करने वाले माता पिता भी यहां उपस्थित थे। ऐसा है कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं 7 वर्ष 2 माह तक जो माता पिता ने उसे सुरक्षित रखा, और हमारे ज़िले के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग एक बच्चे को उसका उज्जवल भविष्य दे रहे हैं, उसके जैविक माता पिता को खोजकर।